हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन को स्वरूप जाने राग ते भई जो भक्ति काये को नमाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और इस ग्रंथ के आधार से धर्मात्माओं की चर्चा चल रही थी। धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं, धर्म का स्वरूप क्या है। जगत का प्रत्येक प्राणी धर्म करना चाहता है, हर जीव धर्म करना चाहता है। अभी आपसे भी यदि पहली बार आए होते और पूछा जाता कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो आप यही जवाब देते कि थोड़ा धर्म कर लें। धर्म करने ही तो आए हैं मंदिर। मंदिर क्यों आता है कोई भी व्यक्ति, आपके आने का प्रयोजन क्या है? तो कहेगा धर्म करना है हमारे को। और तो और अनंत चतुर्दशी के दिन साल में एक दिन आने वाला व्यक्ति भी ये बात कहता है कि कम से कम साल में एक दिन तो धर्म कर लें। 10 लक्षण में 10 दिन आने वाले, बाधवे में 1 महीने आने वाले, पूरे 11 महीने पाप किए हैं तो कहते हैं अब 1 महीने तो हम धर्म कर लें। लेकिन भाई एक बार हम गहराई से देखें ये जिनागम कहता क्या है कि धर्म क्या है। सोचो जरा कहता क्या है, जैन धर्म बड़ी मुश्किल से पाया है मानव जन्म, सिद्ध सी सभी की आत्मा, सिद्ध सी सभी की ये धर्म है। कहता क्या है जैन धर्म, सोचो जरा, बड़ी मुश्किल से ये मानव जन्म पाया है और आप इस बात का विचार ही नहीं करो। आप सिर्फ उसी लेवल पर धर्म की परिभाषा और व्याख्या समझते रहे जिस लेवल पर धर्म की चर्चा सारे जगत के जीव किया करते हैं। सारे जगत में हिंदू मुसलमान सब लोग किसको धर्म समझते हैं, आप समझ लो। कोई यदि ये कहता है कि दिन में भोजन करने का नाम धर्म है, तो कोई अन्य मतावलंबी मुस्लिम दर्शन वाले कहते हैं पूरे दिन जब तक सूर्य दिखेगा तब तक थूक भी नहीं निगले। जब वो चिल्ले करते हैं ना, 40 दिन के होते हैं उनके यहाँ, रोजे रखते हैं ऐसे है? वो रोजे होते हैं 30 दिन के, चिल्ले होते हैं उनके यहाँ 40 दिन के। हमें तो खबर है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह ही है, सब पढ़ी है, सब बातें मुस्लिम दर्शन भी पढ़ा है हमारे, उनके क्या क्या किस किस तरह से किए जाते हैं, तो नमाज जकात खैरात वो सब जो उनके जो नियम हैं सिद्धांत हैं, बहुत सालों पहले वो 22 साल पहले पढ़े थे एमए में। हाँ सारे दर्शन पढ़े मैंने, सारी वेस्टर्न फिलोसॉफी पढ़ी है, सारी इंडियन फिलोसॉफी पढ़ी है मैंने, कुरान भी पढ़ी है, गीता भी पढ़ी है, उनके श्लोक भी याद किए हैं, और सारे समझ लो आप सांख्य वेदांत नहीं है, एक वैशेषिक मीमांसक चाहे, ये तो सभी इंडियन फिलोसॉफी की बात है। फिर बौद्ध दर्शन पढ़ा, बौद्ध दर्शन के साथ में तो एमफिल था और नेट था बौद्ध के साथ में, तो फिर गांधीयन स्टडी थी, इसके अलावा फिर सारी वेस्टर्न फिलोसॉफी पढ़ी, अरस्तु सुकरात प्लेटो लाइबनीज ह्यूम डेकार्ट आइंस्टाइन सबको पढ़ा है, और सबको पढ़ने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं ये जो जैन दर्शन की बात है ये कुछ अद्भुत है। सर आप जैन थे इसलिए आपको जैन धर्म लग रहा है वास्तव में? अरे ये तो यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ा है भाई, तो एमए की बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे पढ़ने ऐसे तो कौन पढ़ता है। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ ये सारे दुनिया में धर्म दर्शनों के नाम पर क्या समझा जाता है कि ये धर्म है, बस जीवों को बचा लिया ये धर्म है, थोड़ी अहिंसा ये धर्म है,
थोड़ा सा परोपकार कर लिया, ये धर्म है, मानव सेवा को धर्म समझ लिया, मैंने थोड़ा बहुत जहाँ परोपकार की बुद्धि दिखी, अपने आप को भी सेटिस्फेक्शन दिखने लग जाता है कि धर्म हो गया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो पाप है, हो सकता है आपके मंद कषाय रूप परिणामों से थोड़ा बहुत पुण्य बंध जाएगा, लेकिन वो धर्म तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ धर्म की कुछ परिभाषाएं बतलाई जा रही थी, कल हम शायद 2-3 परिभाषाओं की यहाँ चर्चा कर चुके हैं, उम्मीद करता हूँ आपको वे पंक्तियाँ कुछ याद होंगी। सबसे पहली बात कही थी दया के संदर्भ में, दया को धर्म कहा गया है। आर्य पहली बात है दया को धर्म कहा गया, दया होनी चाहिए अंदर में, करुणा होनी चाहिए, ये मूल है। दया ही जिसके हृदय में नहीं, माने कठोर चित्त व्यक्तियों के हृदय में धर्म का प्रवेश नहीं हो सकता। हृदय का सॉफ्टनेस चाहिए, हृदय की कोमलता चाहिए। परिणामों में यदि कोमलता और निर्मलता यदि नहीं है और बहुत कठोर परिणाम है तो क्या धर्म उसमें प्रवेश करेगा। पत्थर दिल नहीं, नरम दिल होना चाहिए। देखो दाग की तरह है, किसमिस की तरह स्वभाव होना चाहिए, अंदर बाह्य कोमलता। नीतिकारों ने कई तरह के व्यक्तियों के चरित्र चित्रण किए हैं, उसमें सर्वोत्कृष्ट चरित्र बतलाया है अंतर और बाह्य दोनों तरफ से कोमल जीवों का। कई तरह के उदाहरण दिए, कुछ ऐसे होते हैं जो ऊपर से कठोर अंदर से कोमल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ऊपर से कोमल अंदर से कठोर होते हैं, कुछ ऐसे जो अंतर और बाह्य दोनों से कठोर होते हैं, और कुछ ऐसे जो अंतर बाह्य दोनों तरह से कोमल होते हैं। और 4 उदाहरण दिए इनके लिए। जैसे देखो, सबसे पहले अंदर और बाह्य दोनों स्थानों से कठोर व्यक्तियों के लिए उदाहरण दिया सुपारी का। सुपारी जानते हैं, गोल होती है, वो अंदर से भी कठोर है और बाहर से भी कठोर है। ऐसे जीवों को अधमा अधम कह करके पुकारा, खराब से खराब लोग हैं। फिर दूसरे व्यक्ति उन्होंने कहे कि जो अंदर से तो कठोर हैं लेकिन ऊपर से कोमल हैं। क्या अंदर से कठोर दिखते हैं और ऊपर से कोमल दिखाई देते हैं? तो ऐसे जीवों के अंदर आप लगा लीजिए कुछ भी इस तरह की चीज जिसके अंदर तो कठोर चीज हो और बाहर से कोमलता दिखाई देवे, ये मायाचारी व्यक्तियों का काम है। ऊपर से तो प्रदर्शन, मीठी मीठी बातें करना, चिकनी चुपड़ी बातें करना, और अंदर से काट करना, कठोर बने रहना, लेकिन वो अंदर भाई ये दोनों कठोर थे उससे तो ये ठीक है, लेकिन ये भी अच्छा नहीं है। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं वो ऊपर से कठोर अंदर से कोमल, ये कौन होंगे? ये होंगे मास्टर साहब जैसे, या फिर घर में माता पिता जैसे। क्या माता पिता के अंदर से झांक के देखो तो बहुत कोमल हैं और ऊपर से इतना डांटते हुए दिखाई देंगे कि बच्चों को लगे दुश्मन है ये तो हमारे। बच्चों को ऐसे लगे हमें डांटते ही रहते हैं, हमें हर बात में टोकते ही रहते हैं, हमें परेशानी करते रहते हैं। मानो सबसे ज्यादा इस दुनिया में कोई दुखी करने वाले हों तो हमारे माँ बाप, ऐसे लगता है बच्चों को। भाई ऊपर से कठोर दिखाई दे रहे हैं लेकिन अंदर से उनके हृदय में झांक के देखा जाए तो अत्यंत कोमलता है। और चौथे प्रकार की कोमलता कही गई है, बात कही गई है व्यक्तित्व के संदर्भ में, वो अंतर भाई ये कोमलता की, वो कहे हैं हमारे मनिराजों जैसा, विशेष ज्ञानियों जैसा, किसमिस जैसा जिनका स्वभाव होता है। अंतरंग में भी कोमलता है और मुख चंद्र थे अमृत झरे, ऐसी बातें हैं। चलिए बात तो हम यहाँ एक उदाहरण रह गया आपका जिसमें बाहर से कठोर अंदर से मुलायम। हाँ वो दिया तो है मेरे ख्याल से। नहीं दिया। नहीं, बेर बेर का उदाहरण दिया। बेर बेर ऊपर से कोमल है और अंदर से कठोर, ठीक है। और नारियल जो है, ये नारियल ऊपर से कठोर है अंदर से कोमल है। 4 हो गए ना, अब देखो 4 उदाहरण मिल गए, वापस बताता हूँ। एक तो हो गया सुपारी, दूसरे नंबर पर हो गया बेर। बेर ऊपर से नरम अंदर से कठोर। फिर तीसरे नंबर पर हो गया नारियल, नारियल ऊपर से लकड़ी जैसा या कठोर और अंदर से कोमल। और चौथे नंबर पर हो गया किसमिस। ऐसे तो आचार्यों ने दिए ना, आप ले लो, थोड़ी ना चलता है। आप तो कुछ भी ले लो, बातें तो जो आचार्यों ने कही है बात वही करेंगे ना हम।
देखिए धर्म धर्म की चर्चा कर रहे हैं हम, तो धर्म क्या है हम किसे कहें धर्म? ऐसा धर्म है, बहुत धर्म है कि ऊपर से तो धर्मात्मा दिख रहा है, अंदर तेरे क्या चल रहा है ये बता। बाहर बाहर में धर्मात्मा दिखने वाले, अंदर में मायाचारी चल रही हो, इसका नाम धर्म नहीं है। क्योंकि अंदर और बाह्य दोनों से कोमलता जहाँ होगी वहाँ दया होती है, और जहाँ दया होती है वहाँ धर्म उत्पत्ति की संभावना होती है। इसलिए दया को यहाँ सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, सबसे पहले नंबर पर दया की बात कही। धम्मो दया विशुद्धो, ऐसे ऐसे पंक्तियाँ हैं जैसे मेरे ख्याल से कार्तिकीय अनुप्रेक्षा की पंक्तियाँ हैं। धम्मो दया विशुद्धो, दया से विशुद्ध जो है वो धर्म है। दूसरे नंबर पर रत्नत्रय को धर्म कह दिया गया, तीन रत्न है अर्पित ना आयुष बोलो, तीन रत्न है, एक सम्यक दर्शन, एक सम्यक ज्ञान और एक सम्यक चारित्र, ये धर्म है। इन तीन का नाम धर्म, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनकी भी चर्चा हो गई कल बहुत। फिर इस पंक्ति पर हम रुक गए थे थोड़ा सा, जिसमें लिखा था वस्तु के स्वरूप का दूसरा नाम धर्म है। वत्थु सहाओ धम्मो, धम्मो वत्थु सहाओ, ये बड़ा गजब है भाई, ये धर्म है, ये वस्तु का स्वभाव धर्म है। और हमने दो चार उदाहरण दे दिए थे आपको, कल आप पूछ भी रहे थे कौन कौन से उदाहरण दे दिए, नमक का खारापन, मिश्री का मीठापन, मिर्ची का तीखापन। आत्मा का क्या स्वभाव है भाई साहब? ज्ञान, जानना देखना, क्या जानना देखना, ये आत्मा का स्वभाव है। हर वस्तु का स्वभाव है, दुनिया में कोई वस्तु ऐसी नहीं हो सकती जिस वस्तु में स्वभाव ना हो, और वस्तु का स्वभाव व्यक्ति से प्रभावित नहीं होता, ये बड़ी गजब की बात है। कल हमने दो बातें कही थी आपसे, वस्तु का स्वभाव क्षेत्र और काल से प्रभावित नहीं होता, इसका हमने कल विस्तार किया था। हमने क्षेत्र की बात कहते हुए कही थी, विदेश क्षेत्र हो चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे पेरिस हो, चाहे हिंदुस्तान हो, जयपुर हो, चाहे अजमेर हो, चाहे घीवालों का रास्ता हो, चाहे किशनपुर हो, कहीं भी हो, अग्नि गर्म है तो गर्म ही है, क्षेत्र से अप्रभावित है। काल से अप्रभावितपन के संदर्भ में कही थी, चौथा काल हो चाहे पंचम काल हो, क्या फर्क पड़ता है, क्षेत्र और काल से अप्रभावित रहने की बात कही थी। आज फिर बात कहता हूं आगे, व्यक्ति से अप्रभावित रहती है। कोई सेठ वैभव संपन्न व्यक्ति अग्नि को छुएगा तो गर्म है, और कोई गरीब व्यक्ति छुएगा तो हे तेरे को थोड़ी ना गर्म लगेगी, तेरे लिए नहीं है। छठे काल में तो अग्नि होती नहीं है, छठे काल में अग्नि नहीं होती का मतलब छठे काल में इतनी खराब परिस्थितियां हो जाती है। अभी तो 18,500 वर्ष का काल बाकी है ये पंचम काल, इतनी खराब परिस्थितियां होती है छठे काल में कि जहां जीव जीव को मार करके खा जाते हैं, कच्चा खा जाते हैं, धान्य आदि सब खत्म होने लगते हैं धीरे धीरे। अग्नि होती नहीं है तो पकाने की व्यवस्था नहीं होती, पत्थरों को भी आपस में टकराएं तो भी अग्नि जन्म नहीं लेती, आग बनती नहीं है, ऐसी स्थिति हो जाती है, वो छठे काल की स्थिति है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ऐसा समझ लो आप, आयु बहुत कम हो जाती है, मैक्सिमम आयु 20 साल की कही है छठे काल में। अग्नि का स्वभाव जलाना है, हाँ। जो अंगारों पे कैसे जलते हैं लोग, वो सब अलग है, उसके अंदर कुछ सॉल्यूशन लगा लेते हैं, कुछ पाउडर होता है, और कुछ एक निश्चित टाइम तक यदि आप उसके हाथ भी लगाओ ना तो जलता नहीं है वो, एक कुछ सेकंड के कुछ हिस्से के अंदर अंदर यदि आपका कदम वहां से उठ गया तो जलाने में समर्थ नहीं होती, उसको जलाने के लिए उसका टाइम भी चाहिए। कितने टाइम में कौन सी चीज जलाएगी, कितनी चीज में, अभी देखो अभी जब स्वभाव की चर्चा आ गई ना, सुनो, अग्नि जलाने में समर्थ है, अग्नि पर हाथ लगाओ तो हाथ जलेगा, और अग्नि पर तवा रखो तो कि तवा जलेगा। लेकिन देखो हर जलाने का स्वभाव यद्यपि अग्नि में है, लेकिन जलने का स्वभाव जिस वस्तु में है वो वस्तु भी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार जलती है। कागज अग्नि के लगा दो तो ज्यादा जल्दी जल जाता है, तवा लगा दो तो थोड़ा देरी से जलेगा, कुछ रखते ही गर्म नहीं होता, लकड़ी रख दो उसके ऊपर तो रखते ही जल नहीं जाएगी। आपने लकड़ी को उसके ऊपर रखा, आपके ऊपर लकड़ी को आग के ऊपर रखकर उसको 10-20 सेकंड में हटा लिया तो वो लकड़ी बिल्कुल भी नहीं जली, ये क्या हुआ,
अब हमने कहा एक काम करो, ये आपके जो रजिस्ट्री के पेपर है ना जमीन जायदाद के, इनको भी 10 सेकंड के लिए रखो आपके ऊपर। कि क्यों, अभी दिखाया ना हमने प्रैक्टिकल करके आपको, लकड़ी रखी थी 10 सेकंड। अरे भाई साहब, वो जलने का स्वभाव भी अपना अपना है। माने एक तो अग्नि में जलाने का स्वभाव, और जगत के पदार्थों में पत्थर रखो उसके ऊपर, वो जलेगा कि नहीं जलेगा? जो पत्थर तो गर्म हो, बिल्कुल नहीं जलता है। बहुत तरह की चीज़ें हैं, अबरक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं है, जो फायर प्रूफ हैं, वो चीज़ें जलती नहीं है। इसका मतलब जलने का स्वभाव भी हर वस्तु का अलग अलग है। हर वस्तु में अनंत स्वभाव भरे पड़े हैं, उस स्वभाव सहित अवस्था को ही हम धर्म कहेंगे। हम कह रहे थे व्यक्ति से भी अप्रभावित रहती है, पद प्रतिष्ठा से अप्रभावित रहती है। प्रधानमंत्री अग्नि को छुएगा तो गर्म, और भिखारी अग्नि को छुएगा तो गर्म। बोलो, तू तो गरीब आदमी है, तेरे को तो अग्नि ने जला दिया, तेरे को पता है मैं कितना संपन्न हूँ, मुझे नहीं जलाएगी अग्नि। ये क्यों भैया? मजिस्ट्रेट जला हाथ लगाएगा तो भी? ऐसे ही नमक के खारेपन की चर्चा कर लो। ठीक इसी प्रकार जब हम आत्मा के स्वभाव की बात करते हैं, क्योंकि वस्तु स्वभाव में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है आत्मा का स्वभाव जानना, अपने आप के स्वरूप को जानना, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो वह आत्मा का स्वभाव भी क्षेत्र से, काल से, परिस्थितियों से भी अप्रभावित है, व्यक्ति से भी अप्रभावित है। माने आप इसकी गहराई में जाकर के विचार चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे मैं निगोद में चला गया तो भी मेरी अवस्था में, मेरे स्वभाव में परिवर्तन नहीं हुआ। अवस्था तो बदली, स्वभाव में परिवर्तन नहीं हुआ। निगोद में गया तो भी, नरक में गया तो भी मेरा जानना देखना ही स्वभाव था, स्वर्गाधिक में चला गया तो भी जानना देखना ही स्वभाव था। यह आत्मा अपने स्वभाव का उल्लंघन कभी नहीं करता किसी भी अवस्था में। और ये तो कोमा में पड़े हो तो भी जानना देखना स्वभाव है। ये स्वभाव गजब की चीज है। दुनिया में कोई कितने भी विरोधी हो जाए, मेरे स्वभाव को मिटा नहीं सकते, मेरे स्वभाव को नहीं मिटा सकते। इसका मतलब मेरे धर्म को मुझसे नहीं छीन सकते। ये धर्म है। ये लाइन यहां कही, वस्तु के स्वरूप का दूसरा नाम धर्म है। और ये जो वस्तु का स्वरूप है, ये किसी से कोई मतलब नहीं है। इसको वस्तु का स्वभाव किसी से पूछ पूछ करके नहीं होता। किसी ने कुछ कह, अच्छा सुनो, 100 लोग मिलकर यदि ये बात कहें कि साहब अब एक काम करो, बरसों से अग्नि को गर्म कहा जा रहा है, हम लोग सब मिलकर के एक प्रस्ताव पास कर देते हैं कि अब आज से अग्नि ठंडी होगी, हो जाए। सब लोग मिलकर के सर्वसम्मति से कर दो, सर्वसम्मति से सब मिलकर के जी डिक्लेयर कर दिया कि अग्नि आज से ठंडी होगी, अब क्या होगा? बोलो, भाई साहब ये वस्तु के स्वभाव में पोपाबाई का राज नहीं चलता। क्या ये वस्तु के स्वभाव में ऐसा नहीं चलता है, किसी ने कुछ कह दिया तो कुछ हो गया। इसी तरह से हम ये कहना चाह रहे हैं, जब किसी अज्ञानियों के कहने से वस्तु का स्वभाव बदल नहीं जाता, तो तुम यदि अपने स्वभाव का लक्ष्य करके देखो तो जगत जन तुम्हें अज्ञानी कहते रहे, मूर्ख कहते रहे, बेईमान कहते रहे, गालियां देते रहे, तुम निरंतर अपने स्वभाव का अवलंबन लेकर के प्रसन्न रहो कि इनके कहने से क्या होता है, इनके कहने से मेरा स्वभाव कभी बदलता नहीं। क्या तुम कुछ भी कहते रहो, मेरा स्वभाव कभी बदलता नहीं। कोई व्यक्ति कुछ भी कह दे, किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये स्वभाव धर्म है। और सुनो, स्वभाव जो है जिसे यहाँ धर्म कह करके पुकारा गया है, ये स्वभाव में परतंत्रता नहीं होती, स्वभाव में पराधीनता नहीं होती। धर्म उसका नाम है जहाँ परतंत्रता नहीं हो, धर्म उसका नाम है जहाँ किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं हो। धर्म वो चीज़ है जो पर से अप्रभावित रह करके हो, धर्म वो चीज़ है जो किसी के कहने से बदले नहीं, धर्म वो चीज़ है जो जेल में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे तीर्थ क्षेत्र में रहो, चाहे मंदिर में रहो, जो कभी छूटे नहीं, उसका नाम धर्म है। जो धर्म करने से कोई रोक ना सके, उसका नाम धर्म है। कितनी बातें कह रहा हूँ, कुछ समझ में आ रही है क्या? जिसे किसी के द्वारा रोका जा सके वो धर्म नहीं हो सकता। मैं इनको धर्म नहीं करने दूंगा, कि तुम क्या नहीं करने दोगे ये बताओ। जहाँ रोका जा सके वो धर्म नहीं है।
मैं वाक्य कहता हूँ हमेशा फिक्स वाक्य है, परतंत्रता में धर्म नहीं होता, पराधीनता में धर्म नहीं होता, धर्म स्वाधीनता का नाम है, धर्म स्वाधीनता का नाम है। अब इस स्वाधीनता के गीत गाओ आप, अब इस स्वाधीनता की जितनी चर्चा कर सको, ये धर्म है स्वाधीनता। अब कोई व्यक्ति अब लगाओ, एक एक चीज पर लगाओ साहब, कि साहब शिखर जी की वंदना करना धर्म है या नहीं। हमने थर्मामीटर दे दिया, धर्म परतंत्रता में नहीं होगा, धर्म स्वाधीनता में होगा भैया। अब हमने कहा समेत शिखर जी की वंदना करना धर्म है या नहीं है, बताओ। अरे साहब वो तो गजब हो गया, शिखर जी की वंदना कैसे धर्म नहीं होगा, है ये तो बहुत बड़ा धर्म है भाई साहब। जो जैन कुल में पैदा होकर के भी जिसने शिखर जी की यात्रा नहीं की हो, वो तो उसको तो करनी चाहिए, जीवन में एक बार तो शिखर जी की यात्रा करनी चाहिए, क्यों साहब धर्म होगा ना। तो बताओ शिखर जी की वंदना से धर्म हो तो डोली वालों को कितना धर्म होगा। डोली वाले तो रोज चढ़ते हैं ना, महीने में 10 दिन तो चढ़ते होंगे, क्यों साहब भाई थोड़ा थोड़ा गैप दे करके भी चढ़े हैं। मान लो दूसरे दिन दोबारा वो नहीं कर सके इतनी मेहनत, साल में 150 दिन तो मान ही लो, 100 दिन तो मान लो, साल में 100 दिन तो मान लो, इतनी तो होती है उनकी, तो कितने धर्मात्मा हो गए। बोले चक्कर लगाने का नाम धर्म नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब बात करो जैनियों की, बात करो भावना वालों की, बात करो। शिखर जी तक गए ठीक है, और वहां जाकर तबीयत ऐसी खराब हो गई कि अब ऊपर नहीं चढ़ सकते, बोलो अब शिखर जी की वंदना नहीं कर पा रहे, अब धर्म नहीं कर सकते, अब क्या करें भाई साहब। हम तो उम्र ऐसी हो गई कि जिस उम्र में अब धर्म नहीं हो, अब शिखर जी नहीं हो सकता, अब चढ़ा नहीं जा सकता, अब डोली से भी चढ़ने की स्थिति नहीं है, अब धर्म हो सकता है कि नहीं, परतंत्रता नहीं है भाई साहब। इसीलिए हम ये कह रहे हैं शिखर जी का नाम धर्म नहीं है क्या। शिखर जी जाओ तो अच्छी बात है, लेकिन शिखर जी वंदना कराए तो बहुत बड़ा तीर मार लिया, ऐसा नहीं है क्या। गिरनार जी की बात लगा लो, सब क्षेत्रों की बात लगा लो, इसी तरह से कोई व्यक्ति ये कहे कि उपवास करना तो धर्म है भाई साहब, दशलक्षण जी के उपवास कर लिए, कितने बड़े धर्मात्मा हुए, बोलो भाई साहब 10 दिन के उपवास किए दशलक्षण जी के, दशलक्षण जी के उपवास किए हैं, 10 दिन तो कुछ नहीं खाया और 11वें दिन गुटखा खाता है। खूब धर्म कर लिया इसने, कितने धर्मात्मा है बतलाओ। अब दशलक्षण जी के उपवास करने से भी धर्म नहीं है। यदि मेरी शारीरिक सामर्थ्य ऐसी नहीं है कि मैं उपवास कर सकूं तो क्या धर्म नहीं हो पाएगा। जो उपवास नहीं कर सकता क्या वो व्यक्ति धर्म नहीं कर सकता। हमने कहा सुनो शरीर की परतंत्रता से धर्म का संबंध नहीं है, आप इस पराधीनता से धर्म अधर्म को मत जोड़ो। अभी इनको देखना बंद हो गया, बहुत सालों पहले ताई जी को देखना बंद हो गया था, 2 सभा में ऐसे लोग हैं जिनको आंखों से बिल्कुल नहीं दिखता, बोलो अब ये धर्म कर सकते हैं कि नहीं। कौन रोके बताओ, कौन रोके, आंखें खराब हो गई तो टीवी देखना बंद हो गया, अच्छी बात है। आप उसको पॉजिटिव सोचो, नहीं नहीं साहब शास्त्र पढ़ना भी तो बंद हो गया, अरे शास्त्र तो बहुत है, सुनाने वाले भी हैं और कैसेटें भी अवेलेबल हैं, दुनिया भर के प्रवचन अवेलेबल हैं, आप खूब सुनो। आंखें ही तो सही नहीं है, कान तो सही है, और कदाचित आप ये कहो कि कान भी खराब हो जाएं तो अब धर्म हो सकता है कि नहीं। तो आंखें और कान यदि ना हो तो भी मन तो है, सब काम मन से होगा। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, और रस स्वादत सुख उपजे अनुभव ताको नाम, रस का नाम अनुभव है, कितनी स्वाधीनता है बतलाओ। स्वतंत्रता का नाम धर्म है कि नहीं। नहीं साहब बहुत धर्म करता है, बंद कर दो इसको कमरे में, आज के बाद निकलेगा नहीं, तो कोई बात नहीं, मंदिर नहीं जाने देंगे हम तुम्हारे को, क्या बात करते हो तुम, आज के बाद घर से बाहर निकले तो टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी, अब तो नहीं करने दे रहे हैं ना धर्म, बंद कर दिया ताले में कि सुन एक में नहीं 48 में कर लो तो भी धर्मात्मा। बताओ मेरे को, तुम सोचो हमने इसको ताले में बंद कर दिया, ये क्या धर्म करेगा है? हम पूछते हैं आपसे
भले ही किम बदंती सही, भले ही क्या प्रसंग रहा होगा, भगवान जाने, सर्वज्ञ भगवान जानते हैं उस बात को। लेकिन ये बात तो जगत प्रसिद्ध है कि मानतुंगाचार्य को 48 स्थानों में बंद कर दिया गया था, जगत प्रसिद्ध बात तो है ये। बोलो फिर वे धर्मात्मा थे कि नहीं, कि पापी हो गए थे? क्या फर्क पड़ता है? तालों में बंद कर देने से दिमाग थोड़ी ना बंद हो जाता है। बोलो, खबरदार जो आज के बाद में उसके बारे में सोचा भी तो अच्छा, ठीक है, खबरदार नहीं सोचेंगे। अब तुम्हारे कहने से क्या होता है, मेरी सोच में किसका कंट्रोल है? ग्रंथ ग्रंथ लेकर के बैठे, बोलो, ग्रंथ लेकर के बैठे तो ग्रंथ छीन ले, ताला बंद कर दे, अंदर में कोई ग्रंथ नहीं हो, बैठ करके चलो सीडी सुन लेंगे, कि तेरे पास सीडी सुनने की व्यवस्था नहीं हो वो भी छीन करके ले जाए, चुपचाप बैठ करके माला फेर लेंगे कि माला भी छीन करके ले जाए, क्या अब बोलो, ये उंगलियों पर माला गिन लेगा, जाप कर लेगा, अब क्या करे? अब बोलो उंगलियां काट देवे तो बोलो फिर जाप से रोक सकते हैं कि नहीं? है? कि जवान से तो बोल लेंगे कि जवान काट देवे, अब धर्म हो सकता है कि नहीं? भाई साहब, जहाँ परतंत्रता है वहां धर्म नहीं है, धर्म उसका नाम है जहाँ स्वाधीनता है। आपको पढ़ने में पराधीनता हो सकती है, आपको सुनने में पराधीनता हो सकती है, क्या अनुभव करने में पराधीनता नहीं हो सकती। परिस्थितियां पराधीन करने का प्रयास कर सकती है, लेकिन मन तो स्वतंत्र है। इस मन को स्वतंत्र रूप से विचरण करने में कौन रोकने में समर्थ है? ये स्वाधीन है, ये मार्ग स्वाधीनता का मार्ग है। सुनो, मुक्ति कहते ही स्वाधीनता को है। अभी मोक्ष कल्याणक के दिन की मैंने वहां चर्चा वाली है। मुक्ति कहते ही स्वाधीनता को है। कोई व्यक्ति ये कहे भगवान तेरी कृपा से कब हमें मुक्ति हो जाएगी, हे प्रभु आपकी कृपा से हमें भी मोक्ष हो जाए, जो भगवान की कृपा से हो वो मोक्ष नहीं हो सकता, वो धर्म नहीं हो सकता। जिसमें किसी की कृपा नहीं चलती, सारे जगत में ये कथन बहुत प्रसिद्ध चलता है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। और ये अपने जैनी लोग भी बहुत सारी ऐसी बातें कह करके कहते हैं, भाई साहब शरीर संभालो, शरीर है तो धर्म होगा, शरीर है तो धर्म होगा, शरीर नहीं है तो धर्म कैसे होगा? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये संस्कृत की उक्ति है नीतिकारों की, जैन सिद्धांत नहीं है, जैन आचार्यों का वचन नहीं है। शरीर माध्यम, शरीर पहले है, खलु धर्म साधनम, उसके माध्यम से धर्म साधन होता है, इसलिए तुम पहले शरीर को संभालो। ये अन्य अन्य मतावलंबी कहते हैं। जैन दर्शन ये कहता है शरीर से तो धर्म होता ही नहीं है, क्या शरीर धर्म करने में साधक तो है ही नहीं, धर्म करने में ये शरीर बाधक भी नहीं है। एक व्यक्ति अस्पताल में पड़े हैं, क्या हॉस्पिटलाइज्ड है, अब मंदिर नहीं जा सकते, अब वहां हॉस्पिटल के बेड पर ना ग्रंथ छू सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, अब बतलाओ अब क्या कहें? हमारे कई ऐसे लोग हैं, अभी समझ लो हमारे ताई जी का स्वर्गवास हुआ, हमारे 95-96 साल के थे शायद, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो वो तो खाते ही नहीं थे, हॉस्पिटल का नहीं खाते थे, किसी का छुआ हुआ नहीं खाते थे, वो तो बहुत नियम से उनसे, और कदाचित किसी का हाथ लगे मेरा धर्म भ्रष्ट मत करो, मतलब उनकी बातें ऐसी बातें, मैं हमारा धर्म भ्रष्ट मत करो, हम तो नहीं लेंगे, मर जाएंगे लेकिन यहाँ का छुआ हुआ नहीं खाएंगे, यहाँ नहीं लेंगे, क्या धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाए? हम आपसे पूछ रहे हैं, ये खान पीन में धर्म नहीं है, खान पीन का विवेक होना चाहिए, ये जैन आचार है, लेकिन ये धर्म नहीं। धर्म किसका नाम है? धर्म किसे कह करके पुकारे हम? व्हाट इज रियल जैनिज्म? ये सच्चा धर्म क्या चीज है? उन्हें स्वतंत्रता स्वाधीनता यहां है। अरे कर्म की पराधीनता नहीं हो, आप देह की पराधीनता की बात कर रहे हो, कपड़ों की परतंत्रता नहीं है। अच्छा सफेद कपड़े पहने पहने धर्म होगा कि काले कपड़े पहने? काले वालों को तो नहीं होगा, सफेद वालों को ही होगा है? अच्छा मूंछ वाले को होगा कि नहीं होगा? अरे पूंछ वाले को हो जाता है तो मूंछ वाले की बात कर रहे हैं। शेर को हुआ कि नहीं, हाथी को हुआ कि नहीं, मेंढक को हुआ कि नहीं, ये चर्चाएं शास्त्रों में, हिरण को हो सकता है कि नहीं, जब तिरियंच गति के पशुओं को हो सकता है तो तुम्हें क्यों नहीं हो सकता? लेकिन बाहर में बाह्य आचरण को पालन करके आप ये समझो कि धर्म हो गया तो इस धोखे में मत रहना। व्रत प्रतिमालो उपवास करो या मंदिर में डेरा डालो,
बोलो क्या करना है। सब अंग पढ़े नौ पूर्व रटे, पर उसका भाव नहीं जाने। खूब पढ़ा खूब पढ़ा कि साहब शास्त्र पढ़ने से तो धर्म होगा कि नहीं, प्रवचन सुनने से तो धर्म होगा कि नहीं, हम रोजाना यहाँ आकर के बैठते हैं अब तो धर्मात्मा हो गए ना। नहीं भाई साहब, ये सुनने का नाम धर्म नहीं है। कर्णेन्द्रीय का विषय मात्र बन गया इसका नाम धर्म नहीं है। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया इसका नाम धर्म नहीं है। क्या धर्म, धर्म की चर्चा कर रहे हैं हम, किसे धर्म कहें आप बतलाओ, आपको क्या लगता है। अरे साहब इतने दिन से सुन रहे हैं फिर भी आप कह रहे हो नहीं, तुम्हें पता है कितने, सुनो पंडित जी तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था उसके पहले से आ रहे हो सुनने। मेरे जन्म से पहले वाले भी हैं क्या यहाँ कोई, देखते तो नहीं है, कभी कभार आते होंगे, मुश्किल ही है। मेरे जन्म से पहले से तो कोई नहीं दिख रहे हैं अभी फिलहाल तो इस सभा में। अजी बेहतर के तो हो गए, लेकिन बेहतर में आए कि आ कितने समय से रहे हो, बात तो ये है। क्या चलो खैर, मेरा कहने का मतलब तो ये है कि आप यदि ये बात समझो कि साहब 40 साल से सुन रहे हैं 35 साल से सुन रहे हैं, इतना ये हो गया, लंबी चौड़ी लिस्ट और हिसाब सुना दो, तो हमें वो वाक्य याद आता है, इसका लिखा है शायद मेरे ख्याल से अपने राजमल जी वैक्सिया का है क्या, धर्म का तो हर कोई रखता हिसाब है। कितना हिसाब है आपके पास में, 4 बार शिखर जी, 3 बार बुंदेलखंड, 2 बार गिरनार जी की यात्रा है, 17 बार ये चढ़ लिए, 3 बार ये ग्रंथ पढ़ लिए, इतनी बार समय सार पढ़ा, इतने सालों से प्रवचन सुन रहा हूँ, सन 1988 से मैंने रात को पानी पीना छोड़ दिया था, रोजाना 4 माला फेरता हूँ, तेरे पास में कितना कितना हिसाब है बोलो, जाप का हिसाब रखता है, इतनी बार मैंने अनुष्ठान कराए, इतने पंच कल्याणक मैंने अटेंड कर लिए, इतने विधान मैंने करा दिए, इतने सालों तक मंदिर का मैं अध्यक्ष रहा, सबका हिसाब है इसके पास में, पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है। किसी व्यक्ति को एक बार थोड़ा छेड़ करके तो देखो, वो सारी लिस्ट कर देता है, थोड़ा सा कुछ बोल करके देखो तो तुरंत आगे उगल देता है, मैं कितना धर्मात्मा, मैंने कितने काम किए, कितने बड़े बड़े। अगर धर्म का तो हर कोई रखता हिसाब है, लेकिन पाप, पाप तो बेहिसाब है। पाप का भी कोई हिसाब है? तुम्हारे पास में ये भी कोई हिसाब है कि आज तक हमने इतनी बार झूठ बोला है? इतनी बार लोगों को दुकान पर आए हुए को बेवकूफ बनाया। आपके पास ये भी कोई हिसाब है कि हमने इतनी बार गुस्सा किया, इतनी बार नाराजगी व्यक्त की, इतनी बार बच्चों की पिटाई की, इतनी बार उनको डांटा है, इतनी बार हमने ऐसे ऐसे गलत काम किए, ऐसे ऐसे हमने चोरी की, पेंसिल चुरा लाया था स्कूल में क्लास में से, ऐसा कर लिया था, बोलो क्या लगता है आपको, ऐसा ऐसा झगड़ लिया था मैं उसको, मैंने टेबल पर से धक्का दे दिया, है तेरे पास में कोई हिसाब इन बातों का भी? इतनी बार मैंने नहीं, क्या रखता है, रेड लाइट कितनी बार क्रॉस की बताओ आपने, कितनी बार ज्वारी बाजार के अंदर आप रॉन्ग साइड से अंदर आ गए, है आपके पास में हिसाब कोई? हमारे पास कोई हिसाब नहीं, वो तो सब बेहिसाब है, न हमारे पास में जवान का हिसाब है, न हमारे पास पर मन के खोटे परिणामों का तो हिसाब ही नहीं है भाई साहब। ये जोड़ तोड़ के हिसाब में कुछ सार निकलने वाला नहीं है, खूब व्रत कर लिए, खूब उपवास कर लिए, कितनी बार तेले कर लिए, कितनी बार भेले कर लिए, कितनी बार 10 लक्षण जी के उपवास कर लिए, भादवे के महीने में इतने सालों में ऐसा ऐसा किया, खूब धर्म 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 दिख रहा है इसको, अरे धर्म कितना भ्रम हो रहा है ये इसको पता नहीं है, ये सब भ्रम है धर्म के नाम पर, सच्चे धर्म को समझा ही नहीं हमने, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि धर्म शरीर की क्रिया का नाम नहीं है, क्योंकि शरीर शिथिल हो जाएगा तो आप धर्म नहीं कर पाएंगे। अरे शरीर काम करना बंद कर देवे तो भी हमारे महामुनिराजों का, ज्ञानी धर्मात्मा पुरुषों का देह के प्रति अनासक्ति रूप अवस्था रूप से समाधि मरण होते हुए सच्चा धर्म होता है, बोलो क्या, माने समाधि मरण कर रहे हैं। अभी अपने ज्ञानचंद जी पंडित जी साहब विदिशा में, स्वास्थ्य बहुत खराब है और सब अन्य अधिक का त्याग कर दिया उन्होंने सब चीज़ों का, और एक वस्त्र पर आ गए हैं और सिर्फ जल ग्रहण कर रहे हैं, अभी 3 दिन से ये स्थिति चल रही है, बोलो हाँ, कितना सुंदर उनका मतलब समाधि की ओर बढ़ रहे हैं ना ये, तो अब आप कहो कि साहब अब कैसे धर्म होगा, अब तो बिस्तर पे पड़े, अब कैसे होगा, कि क्या जरूरत है हमारे को, बाकी ये सब चीज़ें तो इंद्रियाँ तो बाह्य बाधक थी धर्म करने के लिए,
जब कभी किसी व्यक्ति की कोई दुर्घटना हो जाती है, बड़ी बीमारी हो जाती है, कोई असाध्य रोग, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, और कभी मेरे को संबोधन करने जाना पड़ता है, तो मैं एक ही बात कहता हूँ उनसे कि ये तो सारे जीवन में जो आपने पढ़ा है, यदि वो व्यक्ति स्वाध्यायी है, आपने जीवन भर जो बातें पढ़ी हैं, ये तो अब उसका फल भोगने का समय है। अब कहाँ तकलीफ है? बहुत लंबे लंबे समय तक लोग कोमा में पड़े रहते हैं। हमारे निरंजन भाई थे अमेरिका में, शिकागो में, वो काफ़ी लंबे समय तक कोमा में पड़े रहे। 7 दिन हम वहाँ तो 7ों दिन उनको संबोधन करने के लिए जाते थे, वैसे आँख नहीं हिलाए, उंगली नहीं हिलाए, और 5 मिनट 10 मिनट उनको जब संबोधन किया जाए तो प्रॉपर रेस्पॉन्स देवे कि सब बात सुन रहे हैं। बोलो, सब बात समझ में आती है? कितने जिन्होंने, जब आपने ये बात पढ़ी है, जब आपने ये बात सुनी है, तो आप उसका अनुभव करो ना, आप उसको फील करो ना। आज आपकी 3 दिन से आंखें खराब है ना, शायद 3-4 दिन हो गए आंखों से बिल्कुल दिखना बंद हो गया इनको। अब आप ये बातें फील करो ना कि भाई ये शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये बात आपको प्रैक्टिकल अनुभव आ रहा है कि नहीं? अभी देखो, आपसे यदि ये बात कहा जाए कि शरीर कंट्रोल में नहीं है, तो आपको ये बात समझ में आती है कि हाँ यार, सच में देखो, आप देखते देखते आंखों से दिखना बंद हो गया, शरीर कंट्रोल में नहीं चल रहा है। और आज यदि ये बात आरजे को कही जाए, कहें क्या बात कर रहे, मैं सब कर सकता हूँ। बोलो आयुष, माने अपने को तो ऐसा लगता है ना, अपने को फील ही नहीं होता है जवानी के जोश में, इस व्यक्ति को ये फील नहीं होता है कि मेरी भी आंखें खराब होगी, मेरे भी दांत निकलेंगे, मेरे भी घुटने जवाब देंगे, मेरे भी कानों में मशीन लग जाएगी, सुनना बंद हो जाएगा, ये सब ऐसा मान करके चलता। मैं ही चला रहा हूँ, मैं नहीं चलाऊंगा तो कैसे चलेगा, मैं मेंटेन करके चलता हूँ। अरे भैया, ये वस्तु का स्वतंत्र परिणमन है, इस स्वाधीनता को पहचान लेने का नाम धर्म है। ये वस्तु स्वाधीनता पकड़ में आ जाए, ये स्वतंत्रता पकड़ में आ जाए, कण कण स्वतंत्र है, जन जन स्वतंत्र है, वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है, उसकी पर्याय स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है। बोलो, एक हाथ से ताली बजती है कि दो हाथ से? दोनों हाथों से बजती है क्या? दोनों हाथों से बजती है, और दूसरा हाथ नहीं हो तो बज रही है कि नहीं? आवाज जो है, अरे दोनों हाथों से भी नहीं बजती और एक हाथ से भी नहीं बजती क्या? एक हाथ से तो बजती नहीं है, दो से भी नहीं बजती है। जिनागम ये कहता है कि बजने रूप जो कार्य हुआ है, माने जो ध्वनि रूप जो काम हुआ है, वो भाषा वर्गणा के परमाणुओं का है, और ये जो अंग दिखाई देते हैं, ये सब आहार वर्गणाएं हैं, ये पुद्गल की 2 वर्गणाएं स्वतंत्र है, ये उसका कर्ता नहीं है। इन ये आहार वर्गणाएं भाषा वर्गणा की कर्ता धर्ता नहीं है। आप सोचो कि मैं बोलता हूँ, मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, इनकी तो जवानी खराब है। अरे किसी की जवान खराब नहीं होती, किसी की जवान अच्छी नहीं होती, ये भाषा वर्गणा का स्वतंत्र परिणमन है, जो अपनी योग्यता से वाणी निकलती है। वाणी का योग जब तक बनना होता है तब तक बनता है। तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि कहने में आती है, तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी होती नहीं है, वे वाणी के कर्ता नहीं है। वाणी का योग सहज हो तो तीर्थंकरों का उपदेश होता हुआ दिखाई देवे। अरे 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी की वाणी नहीं निकलनी थी तो 3 लोक में किसी की सामर्थ्य नहीं थी जो उनका उपदेश करा देवे। इच्छा से बोलते नहीं है और इच्छा से रुकता नहीं है, अनिच्छा से कुछ सहज होता है सब परिणाम। देखो क्या कह रहे हैं, वस्तु के स्वरूप का नाम, ये स्वरूप है, वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है, ये उसका स्वरूप है, इसका नाम धर्म है। पहचानो इसको, इस स्वरूप को पहचानो। देखो आगे बढ़े थोड़ा सा, 3 पॉइंट हुए हैं ये, तो अभी तक तो कल तक का हुआ है, ये है ना, ये कल तक का कोर्स था। ये वस्तु के स्वरूप का दूसरा नाम धर्म, इसका मतलब धर्म कहो या वस्तु स्वभाव कहो, एक ही बात है, ठीक है? जेल में चले जाएंगे तब भी होगा ना धर्म, बंद कर देंगे तो भी होगा ना। हाँ, इसलिए कभी भी ये विचार नहीं करना कि हमारा धर्म नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा। नहीं कर पाएंगे, ये बनाव बनता ही नहीं है, ठीक है ना? परिस्थितियां कैसी भी हो, हम उससे सदा काल अप्रभावित रहते हैं। परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि परिस्थितियों में यदि कोई निमित्त बन रहा है तो कर्म का उदय निमित्त बन रहा है। हम क्या करें, परिस्थितियां तो नौकर्म है, ये नौकर्म कौन कौन छेड़छाड़ करे इसमें? कि द्रव्य कर्म का उदय, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र,
उन उन कर्मों के उदय जन्य बन रही है ये सारी परिस्थितियां। अब मेरी कहाँ चलती है, मत चलाओ ना, जहाँ नहीं चलती है, कितने सिंपल सी बात है, जहाँ चलती है वहाँ चलाओ, जहाँ नहीं चलती है वहाँ मत चलाओ। चलती कहाँ है, अपने में चलती है, अपने में चलाओ, पर में नहीं चलती है, पर में मत चलाओ। ठीक है, वो ही तो समझ रहे हैं जनागम में। ये जो पर ये जो नौ परिभाषाएं दी है यहाँ, ये जो नौ बातें कह दी गई है, इन नौ बातों के आधार पर हम धर्म समझने की कोशिश कर रहे हैं। इतने से जने हैं और जने तो कहाँ सुनने आ रहे हैं, तो मत सुनो। तो सबको सुना तो हम कहाँ कह रहे हैं, जिस जिस व्यक्ति के बात समझ में आएगी धर्म तो वही करेगा ना। दुनिया में तो अनंत जीव है, अनंत जीवों में से 6 महीने 8 समय में मात्र 608 जीव ही तो मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। बोलो, ले लो कोई बात नहीं। ये बात जब तक हृदय में नहीं उतरे, गले नहीं उतरेगी, तब तक धर्म नहीं होगा। इसलिए धर्म करना है हमारे को, करने से पहले समझ तो लो करना क्या है। बोलो, हम नहीं कहते लौकिक में ये बात, करने से पहले समझ तो लो करना क्या है। ये धर्म का ही क्षेत्र ऐसा है। प्रॉब्लम क्या है जैन साहब, ये धर्म का क्षेत्र ऐसा है, ये बहुत स्कोप है इसमें। इसमें क्या है, सबकी अपनी अपनी चलती है। धर्म की परिभाषा सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। रस्ते चलता व्यक्ति धर्म की बातें करने लगता है, बिना पढ़े ही सिखाने लग जाएंगे। हर अपने अपने हर व्यक्ति अपने अपने मन से मनगढ़ंत धर्म की कल्पनाएं करने लगेंगे। कोई कहेगा ईश्वर एक है, कोई कहेगा नहीं नहीं सब अलग अलग हैं, कोई मजहबों में बांटने की बात कहेगा, कोई ये कहेगा कि नहीं तुम्हारे यहाँ 24 तीर्थंकर हैं तो इनके यहाँ 24 पैगंबर हैं तो इनके यहाँ 24 अवतार हैं तो सब एक ही हैं, कोई इस तरह की बातें कहेगा, कोई सब तरह के लोग मिलेंगे दुनिया में। लेकिन भाई गहराई से समझना, ये धर्म, ये सड़क चलते व्यक्ति के वचनों के आधार पर धर्म का निर्णय नहीं है। धर्म वस्तु क्या कह रही है, वस्तु क्या पुकार पुकार करके कह रही है, उधर से आप बात करो। किसी व्यक्ति ने क्या कह दिया, किसी व्यक्ति ने क्या कह दिया, कोई क्या परिभाषाओं के अंदर बांधने लगा, ऐसे बहुत होता है दुनिया में। आप चार लोगों को समझाने के लिए बैठो, वो आपको उल्टा समझा देंगे, अरे पंडित जी हम समझाते हैं तुम्हारे को धर्म तो क्या है, हमारे साथ में बैठो, हम बताते हैं धर्म क्या होता है। उसको समझाना मत किसी को, समझ लेना बस। वो इनकी अपने सेठी जी की पंक्तियां, प्रसन्न जी की, वो कितने सुंदर पंक्तियां कहते हैं, सुनना नहीं सुनाना चाहे यही समय का फेर है, आज देश में श्रोता दुर्लभ वक्ताओं का ढेर है। किसी को सुनना नहीं है, किसी को समझना नहीं है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, एक बात बतलाओ मेरे को, यदि मेरे को रोटी बनाना है, जिंदगी में आज तक कभी बनाई नहीं है, सब्जी बनाना है, जिंदगी में आज तक कभी बनाई नहीं है, और डायरेक्ट मैं बनाना शुरू कर दूँ, तो बगल में खड़े हुई महिला क्या कहेंगी, पहले समझ तो लो करना क्या है। यही तो कहेंगे ना, आज तक यदि मैंने लाइफ में कभी बाइक चलाई नहीं है, कभी स्कूटर चलाया नहीं है, कभी कोई व्हीकल चलाया नहीं है, और मैं चलाने के लिए बैठ गया, तो बतलाने वाला पहले ये तो कहेगा, पहले समझ तो लो करना क्या है। और तुम्हें यदि बैठा भी दिया कि नहीं तुम तो बैठ जाओ, तो तुम ही पूछ लेते हो भैया पहले बता तो दो करूं क्या। माने दुनिया के सब कामों को करने से पहले ये व्यक्ति समझना चाहता है, पहले बताओ तो सही करना क्या है। लेकिन जब धर्म की बात आती है तो ये कहता है नहीं नहीं हमें मत समझाओ, हम सब समझते हैं। क्या ये धर्म बिना समझे करना चाहता है, ये नहीं समझना चाहता है कि पूजा की जा रही है तो किसकी की जा रही है, क्यों की जा रही है, ये नहीं समझना है तुम्हारे को। उपवास कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, उपवास का असली मतलब क्या होता है, कि नहीं नहीं साहब उपवास धर्म कैसे, अरे उपवास तो धर्म है लेकिन भूखे रहने का नाम उपवास नहीं है। उपवास, उप माने है समीप और वास माने है रहना, अपने स्वभाव के नजदीक रहने का नाम वास्तव में उपवास है। तो फिर साहब उसमें भोजन करते करते भी उपवास होते, अरे भाई सुनो तो सही क्या। अपने स्वभाव के नजदीक रहे और दोनों टाइम भोजन करें तो उपवास होगा कि नहीं, कि सुन भाई भोजन की तरफ से हटेगा नहीं तो स्वभाव की तरफ आएगा कहां। बाहरी पंचेंद्रीय विषयों से तो विरक्ति चाहिए। भोजन देखो, भोजन खाएगा नहीं तो बनाएगा नहीं, कितने छुट्टी मिल गई ना।
जिस दिन आपको भोजन नहीं करना होता है उस दिन आप कितना फ्री महसूस करते हैं। अब उस फ्री टाइम का उपयोग आपने किस में किया? अरे बहुत दिन हो गए ब्याई जी अस्पताल में से मिलवाई कौन हो टाइम है आज आज रोटी पानी की तो छुट्टी छे तो मिल आओ क्यों कई कई दिन हो गए हैं ये बहुत समय से मैंने 2 महीने हो गए अलमारी नहीं जमा रखी थी आज खाने तो खाना नहीं है तो अलमारी फैला करके बैठ गए जमाने के लिए क्या क्यों उपवास का लाभ तो ले लें कुछ। अरे भाई एक जगह से हटा और दूसरी जगह लग गया। हम तो ये कह रहे थे इन सारे आरंभ परिग्रह से छूटकर अपने स्वभाव के सन्मुख आने का प्रयास किया जाए तो उपवास होता है तो धर्म होता है। विषयों से विरक्ति होनी चाहिए तो ये धर्म है। अब समझ बिना समझे करना है इसको धर्म। अब समझा है कुछ भी नहीं अब कह रहे धर्म करना है हमारे को तो पहले समझो। और यदि आपको गहराई से इस बात को समझना है तो समझने के लिए आना पड़ेगा कल करेंगे आगे चर्चा।